अब हम पढ़ेंगे सूचक, सूचक या इंडिकेटर के बारे में। सूचक या इंडिकेटर, सूचक या इंडिकेटर का मतलब होता है वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पूरे होने की जानकारी देते हैं, या वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात माध्यम बदलने पर उनका रंग बदल जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि पीएच मान बदलने पर उनका रंग बदल जाता है। तो ये परिभाषाएं हैं जो हम दे सकते हैं। हम लिख सकते हैं सूचक, सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी या सूचना देते हैं। ठीक है, यह परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पूरे होने की जानकारी देते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हो, अथवा करके अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका जिनका अम्लीय विलयन में जिनका अम्लीय विलयन में अम्लीय विलयन में एक रंग होता है, अम्लीय विलयन में एक रंग होता है तथा क्षारीय विलयन में क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। मतलब विलयन का माध्यम बदलने पर यह अपना रंग बदल लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि माध्यम अम्लीय से क्षारीय हो गया है या फिर क्षारीय से अम्लीय हो गया है। हम कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो माध्यम का पीएच बदलने पर अपना रंग बदल देते हैं। पीएच तो मैंने आपको पढ़ाया था, माध्यम का पीएच बदलने पर अपना रंग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। आप यहां लिख सकते हो इस बात को, अर्थात माध्यम का पीएच बदलने पर ये अपना रंग बदल लेते हैं, या परिवर्तित, बदलने को आप कह सकते हो परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। मतलब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया जब कराते हो लैब में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है या नहीं? हमें रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी कौन देगा? ये देंगे सूचक या इंडिकेटर। जब पीएच बदलेगा तो कौन बताएगा कि पीएच बदल चुका है? ये बताएंगे सूचक या इंडिकेटर। ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ ही होते हैं जो हमें अभिक्रिया के पूरे होने की जानकारी देते हैं। अब देखो, यहां मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत बढ़िया, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं सूचक के। जैसे यहां से लिखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, यहां तो हम लिखेंगे सूचक, एक सूचक का नाम लिखेंगे यहां, ठीक है, फिर यहां लिखेंगे उस सूचक का पीएच रेंज क्या है। पीएच रेंज, रेंज को हिंदी में कहते हैं हम परिसर, उसका पीएच का रेंज क्या है, यहां लिखेंगे सूचक का नाम और यहां लिखेंगे पीएच परिसर क्या है, और फिर लिखेंगे कि पीएच रेंज जो उसका है उस पीएच रेंज से नीचे यदि माध्यम का पीएच है तो वो कैसा रंग हमें दिखाएगा, ये लिखेंगे हम। पीएच रेंज से नीचे, उसका जो पीएच परिसर है, पीएच रेंज है, उससे नीचे यदि है विलयन, तो
माध्यम उससे नीचे है, पीएच माध्यम का उससे कम है, तो कैसा रंग दिखाएगा? इसी तरीके से यहां लिख देंगे पीएच रेंज, परिसर को कहते हैं इंग्लिश में रेंज, पीएच रेंज से ऊपर यानी माध्यम का पीएच यदि उस सूचक के पीएच रेंज से ज्यादा है तो वो कैसा रंग दिखाएगा। बहुत काम की बात है। जैसे हम सबसे पहले सूचक जो बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे मैथिल ऑरेंज की। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथिल ऑरेंज की। अब मैथिल ऑरेंज को देखो आप, इसका जो पीएच रेंज होता है वो होता है 3.1 से 4.5 तक। और यदि माध्यम का पीएच 3.1 से कम है यानी पीएच रेंज से नीचे है, तो पीएच रेंज से नीचे है तो माध्यम का रंग ये कर देगा लाल। कैसा कर देगा? लाल कर देगा, मैथिल ऑरेंज। और यदि पीएच रेंज से ऊपर है यानी 4.5 से ज्यादा है पीएच उस विलयन का जिसमें आपने मैथिल ऑरेंज को डाल रखा है, तो रंग होगा पीला। पूरे विलयन को कैसे रंग का कर देगा? पीले रंग का कर देगा। देखो समझो इस बात को, यहां तो लिखा है हमने सूचक, यहां लिखा है उस सूचक का पीएच रेंज क्या है, और पीएच रेंज से नीचे यदि विलयन का पीएच है तो कैसा रंग दिखाएगा वो सूचक, और पीएच रेंज से ऊपर यदि पीएच है विलयन का तो कैसा रंग दिखाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है लिटमस का। लिटमस नाम आपने सुना होगा, लिटमस पेपर का नाम तो सुना ही होगा। लिटमस का रेंज होता है 5.5 से 7.4 तक, 5.5 से 7.4 तक इसका रेंज होता है। और यदि विलयन का पीएच 5.5 से कम है यानी पीएच रेंज से नीचे है तो यह विलयन का रंग कर देता है लाल। और यदि पीएच रेंज से ज्यादा है यानी इतने से ज्यादा 7.4 से, तो विलयन का रंग कर देता है नीला। विलयन का रंग कैसा कर देता है? नीला कर देता है विलयन का रंग। इसी तरीके से तीसरा जो हमें सूचक याद रखना है वो याद रखना है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट सूचक है। ठीक है, फिनोफ्थलीन इसका पीएच रेंज होता है 8.0 से 9.8 तक, ये इसका पीएच रेंज है। और यदि विलयन का पीएच 8 से कम है यानी इसके पीएच रेंज से कम है तो उस समय विलयन का रंग होगा रंगहीन, कोई कलर नहीं होगा। और यदि 9.8 से ज्यादा है तो विलयन को ये कर देता है गुलाबी। ठीक है, तो ये हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े सूचक के या इंडिकेटर के। हमने पढ़ा है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, अथवा अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। ठीक है, अर्थात माध्यम का पीएच बदलने पर ये अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। पीएच इतने से कम है तो ये रंग होगा, इतने से ज्यादा है तो ये रंग होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर यदि पीएच 3.1 से 4.5 के बीच में रहा तो कैसा रंग होगा? तो लाल और पीले का जो मिक्सचर होता है ना, आप लाल रंग लो पीला रंग लो दोनों को मिला लो, मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा? लगभग ऑरेंज हो जाएगा। तो इस पीएच रेंज के बीच में वो कलर होता है जो इन दोनों का मिक्सचर है। इसके जितने पास होगा उतना ही रेड कलर का होगा, उसमें ज्यादा परसेंटेज रेड की होगी। इसके जितने पास होगा उतना ही ज्यादा परसेंटेज पीले रंग की होगी। इसी तरीके से इसमें है, इसी तरीके से इसमें है। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर सूचक काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो वही बताते हैं। हेडिंग लिखो सूचकों के सिद्धांत, यानी सूचकों के कार्य करने के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। सूचकों की क्रियाविधि को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, उनमें से दो सिद्धांत हमारे कोर्स में हैं, उन दोनों सिद्धांतों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमें डिस्कस करना है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। नंबर एक हेडिंग लिखते हैं ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। तो हमें ओस्टवाल्ड का सिद्धांत डिस्कस करना है, ओस्टवाल्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आसानी से समझ में आ जाएगी आपके। ओस्टवाल्ड ने किसी भी सूचक के बारे में तीन बातें बताई थी। कितनी बातें बताई थी? तीन। ओस्टवाल्ड ने सबसे पहली बात बताई कि कोई भी सूचक जो होता है ना, या तो वो दुर्बल अम्ल होता है या तो दुर्बल क्षार, यानी सूचक। सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर। सूचक या तो दुर्बल अम्ल होता है, या तो दुर्बल अम्ल, या फिर दुर्बल क्षार होता है। क्षार कह दो या क्षारक कह दो,
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ओस्टवाल्ड ने बताई कि कोई भी सूचक है या तो वो कोई दुर्बल अम्ल होगा और या फिर वो होगा कोई दुर्बल क्षार और होगा कार्बनिक, कार्बनिक दुर्बल अम्ल या कार्बनिक दुर्बल क्षार ऐसा भी कह सकते हो आप। यहां कार्बनिक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब कार्बनिक क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो ये सूचक होते हैं ना, यदि ये आयनित ना हो यानी आयनों में ना टूटे तो इनका कुछ और रंग होगा और आयनित होने के बाद इनका रंग बदल जाएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं अन आयनित, यानी जो आयनों में ना टूटा हो उसे कहते हैं अन आयनित सूचक का एक रंग होता है, अन आयनित सूचक का एक रंग होता है, अन आयनित सूचक का एक रंग होता है, जबकि आयनित होने पर यानी आयनों में टूटने पर, आयनित होने पर यानी आयनों में टूटने पर, आयनित होने पर उसका उसका माने किसका, सूचक का, उसका रंग बदल जाता है। जब सूचक आयनित हो जाता है ना, आयनों में टूट जाता है, तो उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो अम्लीय सूचक है वो तो क्षारीय विलयन में काम करेगा और जो क्षारीय सूचक है वो अम्लीय विलयन में काम करेगा। तीसरी बात उन्होंने बताई कि अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में, या क्षारीय माध्यम लिख दूं, क्षारीय माध्यम में तथा क्षारीय सूचक अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक है, अब सवाल आपके दिमाग में खड़ा होगा कि सर कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। आपको सिर्फ ये तीन बात ध्यान रखनी है, इन्हीं तीनों बातों का प्रयोग करके मैं आपको समझाऊंगा किसी भी सूचक के बारे में, एग्जाम्पल लूंगा। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि सूचक जो है या तो वो दुर्बल अम्ल होगा या फिर दुर्बल क्षार होगा, एक तो बात ये ध्यान रखो। दूसरी बात ध्यान रखो कि जब सूचक अनआयनित होता है तो उसका एक रंग होता है और जब वो आयनों में टूट जाता है यानी आयनित हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तीसरी बात ध्यान रखो, जो अम्लीय सूचक है वो तो क्षारीय विलयन में काम करेगा और क्षारीय सूचक काम करेगा अम्लीय विलयन में। विलयन को यहां मैंने लिखा है माध्यम, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं, चलो मैं एक एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझाने के लिए, फिनोफ्थलीन का, फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन को ऐसे लिखते हैं, फिनोल्फ्थलीन, एल जो है इसमें ले साइलेंट होता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन को सॉल्ट में इस फार्मूले से लिखा जाता है HPH। आप इस फिनोफ्थलीन के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। देखो HPH में आपको H नजर आ रहा, देखो यहाँ क्या नजर आ रहा, H, और जब इसमें H है तो इसका मतलब ये क्या है, अम्ल। और इसने बताया था कि सूचक या तो दुर्बल अम्ल होगा या फिर दुर्बल क्षार, तो फिनोफ्थलीन अम्ल है, तो मैं लिखता हूं इसके सामने कि फिनोफ्थलीन होता है एक दुर्बल अम्ल। फिनोफ्थलीन क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अब हम देखेंगे कि फिनोफ्थलीन कैसे टूटता है आयनों में। ये हमारे पास फिनोफ्थलीन है HPH, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, इधर ये हमारे पास HPH है फिनोफ्थलीन। जब ये आयनों में टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस PH नेगेटिव। अब आपको बताता हूं कि यदि ये अनआयनित रूप में है अर्थात आयनों में नहीं टूट रहा है तो ये होगा रंगहीन यानी कलरलेस, ठीक है। PH रेंज में भी मैंने आपको समझाई थी ये बात, यदि ये आयनों में नहीं टूटा है तो इसका रंग क्या होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, कोई रंग नहीं होगा। और H पॉजिटिव आयनों का रंग तो आपको पता ही है, इनका तो कोई रंग होता ही नहीं, ये भी क्या होते हैं, रंगहीन, पानी में होते हैं ना H पॉजिटिव आयन, पानी का कोई रंग ही नहीं होता। PH नेगेटिव आयन, इनका रंग होता है गुलाबी, इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी। अब समझना पड़ेगा ध्यान से, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना, यदि फिनोफ्थलीन को आप किसी भी विलयन में डालते हो और फिनोफ्थलीन आयनों में टूटता है और बहुत सारे आयन बनाता है,
ये वाले भी और ये वाले भी। तो विलयन में यदि पीएच नेगेटिव आयनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो विलयन अपने आप ही गुलाबी हो जाएगा। और यदि विलयन ये आयनों में नहीं टूट पा रहा है, तो विलयन में ये दोनों आयन कम बनेंगे, और कम बनेंगे तो पीएच नेगेटिव आयन जो गुलाबी रंग के हैं वे कम बनेंगे, और पीएच नेगेटिव आयन गुलाबी रंग के कम बनेंगे, तो विलयन गुलाबी कहां होगा, होने का ही नहीं गुलाबी। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये आयनों में टूट पा रहा है या नहीं। यदि ये आयनों में टूट पाएगा तभी विलयन को गुलाबी कर पाएगा, क्योंकि तभी ये अपने गुलाबी रंग के पीएच नेगेटिव आयन बना पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसका पहला केस समझाता हूं। मान लो आपके पास एक बर्तन में HCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? HCl। सबको पता है HCl एक प्रबल क्षार है ना, प्रबल क्षार। नहीं तो HCl प्रबल क्षार कहां से होगा? HCl तो अम्ल होता है, तो हम कहेंगे इसे प्रबल अम्ल। सबको पता है HCl एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है तो ये तेजी से टूटेगा। कैसे टूटेगा? देखो, आयनों में टूटेगा तेजी से, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयनों में बहुत तेजी से टूटेगा। एक बर्तन में हमने HCl भर रखा है जो प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है तो प्रबल वैद्युत अपघटन भी होगा, और बहुत तेजी से आयनों में टूटेगा एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। आप इसी बीकर में टेस्ट कर रहे हो HPH को डाल के, फिनोफ्थलीन डाल दिया उसी बीकर में थोड़ा सा। तो जब आप फिनोफ्थलीन डालोगे तो फिनोफ्थलीन तो एक दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल विद्युत अपघटन है, और बहुत कम टूटेगा। बहुत कम क्यों टूटेगा? किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव और पीएच नेगेटिव में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि बीकर में अकेला फिनोफ्थलीन होता तो वो थोड़ा बहुत टूट रहा होता, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पर अब HCl की उपस्थिति के कारण HPH बहुत कम ही टूटेगा आयनों में, कम से भी कम। क्यों? क्योंकि HCl ने पहले ही विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा रखी होगी। HCl तो एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है तो प्रबल वैद्युत अपघटन है, तो बहुत तेजी से टूट के उसने विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा रखी होगी। और जब विलयन में पहले से ही बहुत सारे H पॉजिटिव आयन हैं, तो क्या होगा? विलयन में पहले से ही बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन है, तो इसे टूटने नहीं देगा ये। क्यों नहीं टूटने देने का? क्योंकि ये भी H पॉजिटिव आयन ही देने वाला। जब मार्केट में पहले से ही दुकानों के ऊपर कोलगेट रखा होगा, या क्लोजअप रखा होगा, या कोई सा भी टूथपेस्ट है, मान लो किसी एक कंपनी का टूथपेस्ट है जैसे कोलगेट, कोलगेट सारी दुकानों पे पहले से ही रखा हुआ है, तो जो नया सेल्समैन वहां पहुंचेगा उन दुकानों पर, क्या उस नए सेल्समैन से वे दुकान वाले कोलगेट लेंगे? नहीं लेने के, क्योंकि उनकी दुकान पर पहले से ही उपलब्ध है कोलगेट। और बिल्कुल यहां भी ऐसा ही हो रहा है। जब विलियन में पहले से ही एच पॉजिटिव आयन उपस्थित होंगे, तो आप HPH डाल के क्या उखाड़ लोगे? HPH भी हमें क्या देगा? H पॉजिटिव आयन, जो विलयन में पहले से ही उपस्थित हैं, इसने पहले ही बढ़ा दी इनकी संख्या। तो यहां हमें देखने को मिलेगा सम आयन प्रभाव। मतलब ये बहुत कम क्यों आयनित होगा? क्योंकि यहां हमें सम आयन प्रभाव देखने को मिलेगा। मैंने आपको सम आयन प्रभाव समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। और सम आयन प्रभाव के चलते विलयन में पहले से ही बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे, जो नए एच पॉजिटिव आयनों को पैदा होने नहीं देंगे, यानी इस फिनोफ्थलीन को आयनों में टूटने नहीं देंगे। और जब इन एच पॉजिटिव आयनों की वजह से फिनोफ्थलीन बहुत कम टूटेगा, तो विलयन में पीएच नेगेटिव आयन हैं जो गुलाबी रंग के, वे बहुत कम बनेंगे, और बहुत कम बनेंगे तो इसका मतलब विलयन गुलाबी नहीं हो पाएगा। मतलब मैं आपको कह रहा कि पीएच नेगेटिव आयन हैं वो क्या बनेंगे? बहुत कम। और जब कम बनेंगे गुलाबी रंग के आयन, तो विलयन गुलाबी कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो आप, तो नीचे लिखना, मेरे पास जगह है, मैं इधर लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे लिखना है। तो इसलिए हमारा जो विलयन होगा वो कैसा होगा? वो होगा रंगहीन। मतलब आप फिनोफ्थलीन को जब चेक कर रहे हैं ना, फिनोफ्थलीन क्या है? हमने पढ़ा कि फिनोफ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है, और आपने इस अम्ल को अम्ल के अंदर ही डाल दिया, तो अम्ल के अंदर डालने से इसने विलयन को गुलाबी नहीं करा। ये पहला केस था। दूसरा केस देखो क्या है। दूसरा केस है, मेरे पास एक बीकर में एक क्षार है NaOH, और सबको पता है कि ये प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल क्षार। ये बहुत तेजी से आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूट के बनाएगा Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ऐसे बनाएगा। और आपने इसमें डाल के देखा HPH को, फिनोफ्थलीन को, जो एक दुर्बल अम्ल है। तो यहां क्या होगा? भले ही ये दुर्बल अम्ल है, पर ये तेजी से टूटेगा। यहां तेजी से टूटेगा H पॉजिटिव और pH नेगेटिव आयन में। अब सवाल यह है कि सर क्यों टूटेगा तेजी से? इसलिए टूटेगा क्योंकि विलयन में पहले से H पॉजिटिव आयन उपस्थित नहीं है, जो इसके टूटने की क्रिया को रोकते।
विलयन में OH नेगेटिव आयन है जो H पॉजिटिव आयनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रिया करके H2O बनाते रहेंगे, और जब H2O बनाते रहेंगे तो H पॉजिटिव आयन यहां से गायब होते रहेंगे, और जब H पॉजिटिव आयन यहां से गायब होंगे तो रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने का कोई चांस ही नहीं होने का, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं चलेगी तो ये दुर्बल अम्ल भले ही हो, ये टूटेगा ही टूटेगा बस, और जब ये लगातार टूटता रहेगा तो विलयन में ये गुलाबी रंग के pH नेगेटिव आयन अधिक बनेंगे, और जब गुलाबी रंग के pH नेगेटिव आयन अधिक बन जाएंगे तो हमारा जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि हमारा विलयन कैसा होगा, गुलाबी होगा, हमने लिखा विलयन कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब देखो यहां एक बात समझाता हूं मैं आपको, एक बात समझने वाली यह है कि फिनोफ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है, सूचक है, अम्लीय सूचक है। क्या अम्लीय सूचक ने अम्ल में काम करा? HCl तो अम्ल था, इससे भरे हुए बीकर में जब डाला तो कोई भी कलर नहीं दिया, विलयन रंगहीन रहा, पर इस अम्लीय सूचक ने क्षार में काम करा है। यदि सूचक अम्लीय है तो अम्ल में काम नहीं करेगा, अम्लीय सूचक क्षारीय माध्यम में काम करेगा, जैसे NaOH में इसने विलयन का रंग गुलाबी कर दिया, ये लिखा हुआ देखो, अम्लीय सूचक क्षारीय माध्यम में तथा क्षारीय सूचक अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ये फिनोफ्थलीन के एग्जाम्पल से हमने समझाया, जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2, मैथिल ऑरेंज का, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज को हम इस सूत्र से लिखते हैं, MeOH, मैथिल ऑरेंज। OH से आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, क्षार है, और क्षार में भी मैं कहूंगा कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार, कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहली बात भाई ओस्टवाल्ड ने बताया था कि कोई भी सूचक या तो दुर्बल अम्ल होगा या तो दुर्बल क्षार होगा, पहली बात तो यही तो बताई थी। जैसे हमने फिनोफ्थलीन यानी HPH को बताया कि वो दुर्बल अम्ल है, और इसे बता दिया कि क्या है, दुर्बल क्षार। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जब सूचक आयनों में नहीं टूटता है तो उसका एक रंग होता है, और टूटने के बाद उसका रंग बदल जाता है। तो दूसरे पॉइंट पे हम काम करेंगे, ये हमारे पास MeOH है, मैथिल ऑरेंज, जब आयनों में नहीं टूटता है तो ये होता है पीला, और जब ये आयनों में टूट जाता है, कैसे टूटेगा, Me पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव का तो कोई रंग होता ही नहीं, वो तो आपको पता है, पर इसका रंग होता है लाल, इस Me पॉजिटिव आयन का रंग लाल होता है, ये तो रंगहीन है। यानी यदि मेथिल ऑरेंज आयनों में नहीं टूट रहा तो पीले रंग का होगा, और यदि टूट रहा है तो इन दोनों को मिला के कौन सा रंग बनेगा, लाल। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ओस्टवाल्ड ने बताया था कि अम्लीय सूचक तो क्षारीय माध्यम में काम करता है, और क्षारीय सूचक करता है अम्लीय माध्यम में काम। तो उसके लिए हम पहला टेस्ट करते हैं, पहले आप एक बर्तन में NaOH भर लो, क्षारीय सूचक है तो क्षार में ही देख लो। आपको पता है कि ये NaOH एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है तो प्रबल वैद्युत अपघटय होगा, और प्रबल वैद्युत अपघटय होगा तो ये तेजी से टूटेगा, अधिक वेग से टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, और आप अब इसी बीकर में जिसमें NaOH आपने भर रखा है, इसी बीकर में MeOH मिथाइल ऑरेंज डाल के देख लो, जो एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है तो दुर्बल विद्युत अपघटय होगा, और दुर्बल विद्युत अपघटय होगा तो आपको पता है Me पॉजिटिव आयन में टूटना है इसे, और OH नेगेटिव आयन में टूटना है, पर विलयन में तो पहले से ही OH नेगेटिव आयनों की संख्या इसने बढ़ा रखी है, तो इसलिए ये बहुत कम टूटेगा सम आयन प्रभाव के चलते। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो कारण, कारण लिख सकते हो, सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव के कारण आपका मैथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में बहुत कम आयनों में टूटेगा, जिसके कारण ये जो Me पॉजिटिव आयन है, ये वाले आयन, ये बहुत कम बनेंगे, और यदि बहुत कम बनेंगे इसलिए मतलब लाल रंग के आयन बहुत कम बने, और यदि लाल रंग के आयन बहुत कम बनेंगे तो हमारा विलयन जो है वो लाल रंग का नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यूं कहेंगे कि विलयन कैसा रहेगा, विलयन रहेगा ऐसा जो बिना टूटे था, बिना टूटे कौन सा रंग था इसका, पीला, विलयन लगभग पीला रहेगा, वैसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है रंगहीन, ठीक है, पीला रहेगा क्योंकि बिना टूटे इसका रंग पीला है, और टूटने के बाद इसका रंग हो जाता है लाल, जब बहुत कम टूट रहा तो लाल थोड़ा ही होगा, वो रंग होगा जो बिना टूटे इसका रंग है, अनआयनित रूप है, पीला रंग होगा इसका। दूसरा टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैथिल ऑरेंज एक क्षारीय सूचक है, और क्षारीय सूचक है तो देखो क्षारीय माध्यम NaOH में ही उसने काम नहीं करा, क्षारीय सूचक है तो अम्लीय माध्यम में काम करेगा, कैसे काम करेगा देखो,
एक बर्तन लो, उसमें HCl भर दो आप। HCl आपको पता है प्रबल अम्ल है और ये आयनों में टूटेगा तेजी से, प्रबल है तो तेजी से ही टूटेगा। H पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब आप इसमें डाल दो MeOH, मैथिल ऑरेंज। ये भले ही दुर्बल क्षार हो, भले ही दुर्बल क्षार हो, पर दुर्बल क्षार है तो इसकी हेल्प ही करेगा अम्ल। कैसे हेल्प करेगा? इसे ऐसे टूटना था, Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इसे टूटना था, पर ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को जुड़ के H2O बनाते रहेंगे दोनों, तो यहां से OH नेगेटिव आयन गायब होते रहेंगे। OH नेगेटिव आयन जब गायब हो रहे तो रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने का तो चांस ही नहीं है। रिएक्शन अग्रिम दिशा में ही चलेगी और अग्रिम दिशा में चलेगी तो हम कहेंगे कि तेजी से ही टूटता रहेगा और ये जो आयन बनेंगे ये बनेंगे अधिक। और यदि Me पॉजिटिव आयन अधिक बनते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? जैसा Me पॉजिटिव आयन का रंग है, इसलिए हम कहेंगे, विलयन कैसा होगा? विलयन हो जाएगा हमारा Me पॉजिटिव वाले रंग का, यानी लाल। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा क्षारीय सूचक है उसने अम्लीय माध्यम में अपना इफेक्ट दिखाया है। तो क्षारीय सूचक अम्लीय माध्यम में रंग दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, और अम्लीय सूचक क्षारीय माध्यम में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जल्दी से पोज करके लिखो, अगली बात करेंगे हम। ठीक है, लिख लिया बेटे? ठीक है, अब सूचकों के सिद्धांत को समझने के लिए एक दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पहला सिद्धांत तो हमने सीख लिया, ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। ओस्टवाल्ड ने तीन बातें बताई थी, वो मैंने आपको समझा दी, कि कोई भी सूचक या तो दुर्बल अम्ल होगा या तो दुर्बल क्षार होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि सूचक आयनों में नहीं टूटेगा तो उसका एक रंग होगा और आयनों में टूटने के बाद उसका रंग बदल जाएगा। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि अम्लीय सूचक काम करेगा क्षारीय माध्यम में और क्षारीय सूचक काम करेगा अम्लीय माध्यम में। कैसे काम करेगा वो सारी बात मैंने दो एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दी। अब आते हैं हम दूसरे सिद्धांत पर। हम लिखते हैं हेडिंग नंबर दो, क्विनोनाइड सिद्धांत। क्विनो नाइड, ना ये डे भी लिख सकते हो आप, क्विनोनाइड सिद्धांत। अब देखो, क्विनोनाइड सिद्धांत बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। इस सिद्धांत में बताया गया कि किसी सूचक की, कोई भी सूचक है आपके पास, किसी सूचक की दो अवस्थाएं होती हैं। किसी सूचक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो। ये बात बताई गई कि कोई भी सूचक दो अवस्थाओं में रहता है। ठीक, जो एक दूसरे में, जो एक दूसरे में बदल सकती हैं, यानी ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? नंबर एक, बेंजीनाइड अवस्था। बेंजीनाइड अवस्था, पहली अवस्था बताई गई बेंजीनाइड अवस्था। ठीक है, और दूसरी अवस्था बताई गई क्विनोनाइड अवस्था। ठीक है, तो एक बात तो ये बताई गई कि किसी भी सूचक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो, और ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं या बदलती रहती हैं, पीएच बदलने के कारण या माध्यम बदलने के कारण। उनमें से पहली अवस्था बताई गई बेंजीनाइड अवस्था और दूसरी क्विनोनाइड अवस्था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बताया गया, यहां से ही जोड़ता हूं, इसे तो लिखता हूं मैं नंबर एक और यहां लिखता हूं नंबर दो। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात बताई गई कि यदि कोई सूचक अपनी क्विनोनाइड अवस्था में है तो उसका रंग ज्यादा गहरा, डार्क, गाढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं क्विनोनाइड अवस्था में, क्विनोनाइड अवस्था में सूचक का रंग, क्विनोनाइड अवस्था में सूचक का रंग अधिक गहरा होता है, अधिक गहरा यानी डार्क, अधिक गहरा होता है। यदि कोई सूचक अपनी क्विनोनाइड अवस्था में है तो उसका कलर डार्क होगा। ठीक है, और जब कलर जैसा भी सूचक का होगा डार्क, वो विलयन को भी उसी रंग का कर देगा। ठीक है, होता है तथा, यहां लिख देते हैं तथा,
वह का मतलब सूचक। विलियन को भी उसी रंग का, उसी रंग का कर देता है। तो विलियन को भी उसी रंग का कर देगा जिस रंग का वो अपने आप हो जाएगा सूचक। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फिनोफ्थलीन का, ठीक है, यहां लिखते हैं एग्जाम्पल। चलो एचपीएच का नाम तो सुना है, फिनोफ्थलीन। यदि मैं फिनोफ्थलीन को कहूं कि वो अम्लीय माध्यम में है, कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो मुझे बताओ कि फिनोफ्थलीन तो अपने आप अम्ल है, और अम्ल है अम्लीय माध्यम में काम करेगा क्या? नहीं, तो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में क्विनोनाइड अवस्था में नहीं होता है, यह होता है बेंजीनाइड अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बेंजी। तो यहां लिखेंगे बेंजीनाइड अवस्था, बेंजीनाइड अवस्था में। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन ये आता है कि फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में अपनी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, बेंजीनाइड अवस्था में या क्विनोनाइड अवस्था में? तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में तो डार्क कलर देगा नहीं, और डार्क कलर नहीं देगा तो वो अपनी क्विनोनाइड अवस्था में है नहीं, वो कौन सी अवस्था में है? बेंजीनाइड अवस्था में है, ठीक है। और जबकि फिनोफ्थलीन को यदि आप क्षारीय माध्यम में डाल दोगे, क्षारीय माध्यम में डाल दिया आपने फिनोफ्थलीन को, तो वहां तो गुलाबी कर देगा वो, और गुलाबी कर देगा तो कौन सी अवस्था में है? क्विनोनाइड अवस्था में है, क्विनोनाइड अवस्था, क्विनोनाइड अवस्था में। बताओ समझ में आई क्या बात आपके? ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जो उसका भाई है मैथिल ऑरेंज, MeOH। MeOH को आप क्षारीय माध्यम में रख दो। MeOH को कहाँ रखो? क्षारीय माध्यम में। तो MeOH अपने आप क्षार है, और क्षारीय माध्यम में आपने रख दिया, कलर देने का नहीं है, पीला रंग ही रखेगा अपना। तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में है जब डार्क कलर नहीं दे रहा? वो बेंजीनाइड अवस्था में है, बेंजीनाइड अवस्था में, ठीक है। और यदि इसी मैथिल ऑरेंज को आप किसी ऐसे बीकर में डाल दो जहां अम्लीय माध्यम हो, अम्लीय माध्यम में डाल दो, तो वो कलर दे देगा, रेड कलर का कर देगा उस पूरे विलयन को। इसका मतलब वो अपनी कौन सी अवस्था में आ जाएगा? क्विनोनाइड अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा? क्विनोनाइड अवस्था में। तो यह है हमारा क्विनोनाइड सिद्धांत, इसमें यही बातें बताई गई क्विनोनाइड सिद्धांत में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्विनोनाइड सिद्धांत। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक नई बात करेंगे, ध्यान से समझना। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक को आप कह सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है कि आप किसी भी सूचक को, ऐसे सूचक को तैयार करो जिसका पीएच रेंज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पीएच परिसर, रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परिसर। पीएच परिसर को या पीएच रेंज को बढ़ाने के लिए, पीएच रेंज को बढ़ाने के लिए या पीएच परिसर को बढ़ाने के लिए विभिन्न सूचकों का मिश्रण, पीएच रेंज को बढ़ाने के लिए विभिन्न सूचकों का मिश्रण, मतलब बहुत सारे सूचक लिए, उन्हें आपस में मिला दिया। मिलाने से जो उनका मिक्सचर यानी मिश्रण तैयार हुआ, वो उसका रेंज पीएच का बहुत बड़ा है, और उस मिश्रण को ही आप कहोगे सर्वव्यापी सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कॉलथॉफ का, ध्यान से समझ लेना इसे। कॉलथॉफ एक सर्वव्यापी सूचक है। इसमें पता क्या होता है कॉलथॉफ में? इसमें फिनोफ्थलीन होती है, फिनोफ्थलीन, ले इसमें साइलेंट होता है, मतलब कॉलथॉफ में एक तो फिनोफ्थलीन होगी, एक इसमें होता है मैथिल रेड, मैथिल रेड या मिथाइल रेड भी कह सकते हो आप इसे, मिथाइल रेड होता है। दो इंडिकेटर मिला दिए, मैथिल रेड के बाद इसमें होता है अल्फा नेफ्थलीन, अल्फा नेफ्थलीन,
ठीक है। एक इसमें होता है थाइमोल थैलीन, थाइमोल थैलीन, ये इंडिकेटर आपस में मिलाने हैं एक निश्चित अनुपात में। एक इसमें होता है ब्रोमो थाइमोल ब्लू, ब्रोमो थाइमोल, ब्रोमो थाइमोल ब्लू। तो यदि इन कितने इंडिकेटर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 इंडिकेटर को आपस में मिला दो और मिलाने से एक मिश्रण तैयार होगा। उस मिश्रण का नाम रखा कोल्थोफ और वो एक सर्वव्यापी सूचक है। ठीक है, वही तो लिखा हमने, हमने लिखा पीएच परिसर को बढ़ाने के लिए विभिन्न सूचकों का मिश्रण, बहुत सारे सूचक आपस में मिला दिए। अब इसकी खासियत पता क्या है, इसकी खासियत यह है कि अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग देगा। ये पीएच बदलने से रंग बदलेगा, कैसे बदलेगा देखो मैं बताता हूं। यदि पीएच 4 है, विलयन का पीएच 4 है, तो यह देगा लाल रंग, ये जो कॉल्थोफ है कैसे रंग का हो जाएगा, लाल रंग का। और यदि पीएच 5 है तो हो जाएगा नारंगी रंग का, विलयन को कैसे रंग का कर देगा, नारंगी। और यदि 6 है तो विलयन को कर देगा हल्का पीला, हल्का पीला, 6 होने पर हल्का पीला हो जाएगा, 7 होने पर हरा पीला हो जाएगा, यदि विलयन का पीएच 7 है तो ग्रीन येलो हो जाएगा, और यदि विलयन का पीएच 8 है तो विलयन का रंग हरा कर देगा, 9 है तो नीला हरा कर देगा, नीला हरा, 10 है तो नीला बैंगनी कर देगा, नीला बैंगनी कर देगा, और यदि 11 है तो लाल बैंगनी कर देगा। तो यूं देखो कि पीएच बदलने पर कैसे रंग बदलते हैं। इसका पीएच रेंज बहुत ज्यादा है, इसका पीएच रेंज कहाँ है, 4 से लेके 11 तक, इतना बड़ा रेंज है इसका। फायदा तो है ही, पीएच बदलते ही एकदम आपको सूचित करेगा। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे, ठीक है।